अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कई बार दूसरे दलों को आगे करके लड़ती है और कई बार सीधे लड़ती है। राजनीति दल जानते हैं कि किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। आगे उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी उस दलों को आगे करके लड़ती है, इसलिए आपको इन चीजों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से कर्नाटक में बदलाव हुआ है या उत्तर प्रदेश में, आज भी अगर हम हिसाब किताब वोटों का लगाएं, जितना जन समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। उसी तरह नगर पालिका में परसेंटेज बढ़ी है वोटों की, टाउन एरिया में परसेंटेज वोट बढ़ी है। तो अगर हम शहरों में बढ़ रहे हैं और गाँव में जो हमारी पार्टी का बेस पहले से इंटैक्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी नहीं करेगी तो सफाया होगा। जिस तरह से मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में पूरे देश प्रदेश में कार्यक्रम करने जा रही, जनसभाएं करके लोगों को नीतियां बताई जा रही है। 9 वर्ष में, 9 महीने में, ये वो संख्या है जिससे कुछ बदलाव दिखता है। 9 महीने एक नया जीवन मिल जाता है, ये 9 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं। इससे बताओ कि जो बुनियादी सवाल थे वो वही के वही है कि नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है? और फिर अधिकारियों का कितना पॉलिटिसाइज करोगे आप? जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम अधिकारियों को पॉलिटिसाइज नहीं करते, अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा कि जनता की समस्याओं को लेकर खड़े उतर पाए हैं सरकार? देखिए, आपको याद होगा धुएं के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनावों के वोट का प्रतिशत बढ़ा है, भाजपा बेईमानी नहीं करेगी तो सफाया होगा। आगे उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो तकलीफ है वैसी दिख रही है, तो क्या बदला है 9 साल में? तो 24 को लेकर आप क्या तैयारियां पार्टी करने जा रही है, चूंकि राष्ट्रीय लेवल पर सब एक होने की तैयारी जो हो रही है? तैयारी ये करनी है कि आपके चैनलों से बचा जाए। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह और से आपके प्रचार से बचा जाए, जिस तरह से बीजेपी पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ सीटें हारी उसको लेकर समीक्षा कर रही है और वहाँ के जो सांसद विधायक उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, आखिर हारे क्यों? उन्हें समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर के उसका रिजल्ट दे दिया तो उसे शंटिंग कर दी, उसे छुट्टी भेजने की तैयारी है। और तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, काउंटिंग से लेकर के काउंटिंग के बाहर स्थलों पे। और पत्रकार साथियों, आप सब वो बातें जानते हो, क्या छिपाया आपसे? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा का सूर्यास्त हो चुका है, भाजपा ही वर्तमान और भविष्य। छोड़िए इन बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों को। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा इस बात पर करनी चाहिए कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी करवाई है। एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर रिजल्ट दे दिया, उसकी सेटिंग कर दी है। आगे उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये क्षति ऐसी है जिसकी भरपाई बहुत समय लगेगा और ऐसी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। जहां वो इस जनता के बीच में लगातार अपना जीवन काट दिए, दुख दर्द हो, परेशानी हो, किसी की मदद हो, शादी ब्याह हो, खुशियों का समय हो, हर समय प्रधान जी महावीर सिंह यादव जी उनके बीच रहते थे। उनके बीच में रह कर के ही जनता ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि वो राजनीति में आगे बढ़ते चले गए। और आज जो आप उनके साथ इतने परिवार के लोग या जनता दिखाई दे रही है, वो उनका व्यवहार, उनका जनता के प्रति लगाव और जनता से जो जुड़ाव था उसका परिणाम है। उनके ना रहने से जनता दुखी है, हम सब लोग इन परिवार के साथ हैं। नाती सोनू है, उनके भाई हैं, परिवार सबसे मिलने का मौका मिला। हम सब लोग उन्हें भरोसा दिलाते हैं जिस तरीके से सुख दुख में, और हर समय हम समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ खड़े रहे, भविष्य में भी उन परिवार के साथ हम लोग खड़े दिखेंगे। कर्नाटका के परिणामों पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
अच्छा, जिस तरह से कर्नाटक के नतीजे आए हैं तो 2024 को लेकर किस तरह से अब तैयारियां रहेंगी और क्या उसका संदेश? देखिए, अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, देख रहे हैं मुंह में कहां लगाए हैं, वहां जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और जो निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे, वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव, ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, जिस तरह से MIM पार्टी, तो ये थी इटावा से हमारे संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।